लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बीजेपी ने ये कभी नहीं कहा कि आप गौरक्षा न करें या गायों को भोजन न दें या उनको सूखा चारा, जैसा कि उस पर अभी आपकी रिपोर्ट में वो ग्रामीण व्यक्ति बता रहा था कि सूखा भूसा देते हैं जिसकी वजह से गाय जो है बिल्कुल क्रिपल्ड हो जाती है और मर जाती है, ये बीजेपी ने कभी नहीं कहा था और हमारे शासन काल में ऐसा होता भी नहीं था। तो जहां तक कांग्रेस पार्टी की और उनके प्रवक्ताओं की बात है, इस प्रदेश में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इनने ठगा नहीं, चाहे फिर वह किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे छोटे छोटे बच्चों जिनके साथ अपहरण किया जा रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, चाहे फिर गाय हो, इन सब के विषय में इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी अपनी घोषणा पत्र में, लेकिन सबको इन्होंने ठेंगा दिखाया है। वो मैं आपको कहता हूँ, वो बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है ये सरकार अपने पापों की वजह से गिरेगी, वो किसी की वजह से नहीं, अपने वजन की वजह से, अपने भार की वजह से, वो अपने पापों की वजह से गिरेगी। और कैसे बेशर्मी से कांग्रेस के प्रवक्ता वो बात कर रहे हैं, जब 2,000 गायें मर गई हैं और इनको इस अभी भी अपना जो है ये जिस लहजे में बात कर रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए, लेकिन शर्म इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इनसे ये ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कमलनाथ तो बहुत छोटे हैं, मिसिज इंदिरा गांधी ने भी गायों पर गोलियां चलवाई थी करपत्री महाराज के नेतृत्व में, जब साधुओं ने संघर्ष किया था और उनके साथ गाय लेकिन डॉक्टर कुलदेश शेख, ये बात मैं नहीं मानूंगी क्योंकि बीजेपी की जब